है जिसने पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को ब्रह्मांड को रास्ता दिखाया, और उस धरती का अपमान, उस धरती का निरादर मोदी और खट्टर सरकारों दोनों ने किया। जो लोग श्रीमद् भगवद गीता को भी 72,000 रुपए में बेच दे, वो क्या वो सरकारें भी क्या या वो भाजपा भी क्या कभी कुरुक्षेत्र से न्याय कर पाएगी? चौधरी निर्मल सिंह न्याय की हुंकार और गूंज लेकर आएगी। हम सब साथी, भाई नवीन जिंदल जी, कैलाशो जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी, हम सब एक स्वर में और एक लाइन में चौधरी निर्मल सिंह जी के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। कुरुक्षेत्र की जनता से हम केवल ये कहेंगे, कुरुक्षेत्र विश्व गुरु है, कुरुक्षेत्र दुनिया को रास्ता दिखाने वाला पवित्र स्थान है, और इस पवित्र स्थान में कभी अधर्म जीत ही नहीं पाया, अन्याय जीत ही नहीं पाया, कुनीति जीत ही नहीं पाई। इस धरती से किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने का जो झूठा वादा मोदी जी ने किया था, अब उस अधर्म का पर्दाफाश करने का समय आया है। दलित भाइयों की जिंदगी में नई रोशनी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति, काला धन वापस लाने का जो वादा इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती से किया था, अब उसका पर्दाफाश करने का समय आया है। ये लड़ाई भी पांडवों और कौरवों की है, पर इस बार पांडव 5 नहीं, कुरुक्षेत्र की पूरी जनता है, और कौरव वो हैं जो मोदी जी और खट्टर की सरकारें हैं, जो अपनी कुनीति और कुशासन से इस प्रदेश, खास तौर से कुरुक्षेत्र की कुरुभूमि, इस पवित्र भूमि का अनादर कर रहे हैं। इस अनादर का न्याय करने का अब समय है, और इसीलिए सबसे बड़े रणबांकुरे जो अपनी रण की माहरी के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने कभी पीठ दिखाई ही नहीं, जिन्होंने हर वार हमेशा छाती पर लिया, उन निर्मल सिंह जी को श्री राहुल गांधी और कांग्रेस लेकर आई है। आप पत्रकार साथियों का भी स्नेह और सानिध्य, उसकी आकांक्षा भी होगा। जननायक, मैं नवीन जी से कहूंगा कि एक बार वो कुछ कहेंगे और फिर हम आपके सवाल सवाल आए। जननायक जनता पार्टी के निशान सिंह ने कहा है, डेरा मुखी राम रहीम राजनीति का शिकार हूँ। आदरणीय मित्र, चाहे वो लोकदल, JJP या BJP हो, उनका शिकार पूरी हरियाणा की जनता हुई है। याद करिए, जब खट्टर सरकार सबसे पहले सत्ता में आई तो बरवाला हिसार के अंदर एक आश्रम के अंदर लगभग 1 दर्जन महिलाओं और बच्चों की हत्या हुई। उसके बाद जातिगत आरक्षण के आधार पर जो हिंसा भड़काई गई सरकार के द्वारा, जिस प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आज तक वो देते नहीं, उसमें 50 से अधिक लोग मरे। उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के दर्जनों, लगभग 50 के करीब लोगों की मौत पंचकुला में हुई। हमने हिंसा का, पुलिस का और प्रशासन का नंगा तांडव वहां देखा। तो हर बार जो साधारण व्यक्ति हैं, जो अध्यात्म में विश्वास करते हैं, जो अपनी दिनचर्या में पेट और पीठ एक करके रोटी कमाते हैं, वो चाहे लोकदल या JJP, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हो या BJP, उनके शिकार रहे हैं। अब उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए निर्मल सिंह जी आए। चुनावी जनसभाएं कब कब कौन बुलाएंगे? बहुत जल्द नवीन जिंदल जी, चौधरी निर्मल सिंह जी और हमारे सब नेतागण, व्यापक चुनावी, बहन कैलाशो देवी जी, हम सब अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र की लोकसभा में एक चुनावी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। जनता तक जाएंगे, एक एक घर का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि आइए, धर्म, नीति और न्याय का साथ दें, निर्मल सिंह जी का साथ। बहुत जल्द, जब भी जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यक्रम बनेगा, हम अवश्य आपको सूचित करेंगे। देखिए, मैंने जैसा आपको कहा, हर वो आदमी जिसका धर्म में विश्वास है, नीति में विश्वास है, न्याय में विश्वास है, अध्यात्म में विश्वास है, श्रीमद् भगवद गीता और गुरुओं की वाणी में विश्वास है, हर वो आदमी जिसका जो न्याय को ही जीवन का सही रास्ता मानता है, वो निर्मल सिंह जी के साथ खड़ा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक और शहीदों के नाम पर वोट मांग रही है, उनकी कैंडिडेट सुनीता दुग्गल ने खुद शीर्षा में मांगी, क्या कहेंगे? आदरणीय मित्र, अब मोदी जी अच्छे दिनों की बात क्यों नहीं करते? 2014 में करते थे। अब किसान को लागत पर 50% मुनाफा क्यों नहीं देते? अब युवा को 2 करोड़ रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते?
अब 80 लाख करोड़ काला धन 100 दिन में लाकर 15-15 लाख खाते में जमा करवाने की बात क्यों नहीं करते? जब वो पिछले ढकोसले खत्म हो गए तो अब सेना की आड़ में वोट बटोरने का षड्यंत्र कर रहे हैं, पर वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देश की सेना जो है, देश के रणबांकुरे जो हैं, वो पूरे देश के लिए काम करते हैं, दलों के लिए। मैं अब नवीन भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो क्या कहेंगे आज आपके पार्टी के उम्मीदवार निर्मल सिंह जी ने नामांकन दाखिल किया था। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि निर्मल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती से इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं यहाँ से 3 बार मैं यहाँ से प्रत्याशी रहा। मुझे यहाँ से जनता का मुझे बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और कुरुक्षेत्र मेरे लिए मेरा घर है, मेरे यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन आज मेरे बड़े भाई निर्मल सिंह जी को कुरुक्षेत्र से जो है पार्टी ने उतारा है, तो हम सभी भाई, रणदीप सुरजेवाला जी, मैं, बहन कैलाश सैनी जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य सभी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी एकजुट होकर के हम निर्मल सिंह जी को, कांग्रेस पार्टी को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से हम इनको विजय बनाएंगे। और हमें लोगों का बहुत हमें समर्थन मिल रहा है। बहुत से लोग जो है मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़े, आप क्यों नहीं आए। मैं यही कहना है कि मुझे पार्टी ने मुझे 3 बार मौका दिया है। भाई निर्मल सिंह जी जो है मेरे से भी ज़्यादा योग्य उम्मीदवार हैं यहाँ से, और जब निर्मल सिंह जी हैं तो नवीन जिंदल तो उनके साथ ही है, हमें तो नाम राशि भी एक है, तो हम जो है दोनों भाई जो है मिल करके, हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथ ही जो है मिलजुल करके हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की सेवा करेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह से भाई रणदीप जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है लोग बहुत समझदार हैं, लोग जानते हैं कि किन लोगों ने क्या क्या वादे किए और क्या वादे पूरे किए और क्या सिर्फ जो है वो जुमलेबाजी थी। तो लोग जो है जुमलेबाजी से उग चुके हैं। लोग जानते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार थी, जिस तरह से यहाँ पर चौमुखी विकास हुआ, हर वर्ग के लिए यहाँ पर जो है बेरोजगारों को रोजगार दिए गए, हर क्षेत्र का, हर गाँव का विकास हुआ, एक भाईचारे का माहौल बना, और पिछले जो है 5 सालों के अंदर इस भाईचारे का बहुत नुकसान हुआ है। आप सब इस बात को मानेंगे कि जिस तरह की वारदात पहले कभी भी नहीं हुई थी, उस तरह की जो है वारदातें यहाँ पर हुई, भाईचारे का नुकसान हुआ। तो हम सब भाई बहन मिलकर के उस भाईचारे को बरकरार करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अनुरूप हम काम करेंगे, और सब एकजुट होकर के हम, मुझे पूरा विश्वास है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता, चाहे आप बात करें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की, कैथल डिस्ट्रिक्ट की, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, और सभी भाइयों के बहनों के आशीर्वाद से हम यहाँ पर जो है विजयी होंगे, और लोगों की आशाओं के अनुरूप हम यहाँ पर उनकी सेवा करेंगे, विकास के काम करेंगे। नवीन जी, सत्ता पक्ष का ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, सत्ता पक्ष का आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसलिए आपने चुनाव लड़ा? नहीं, मेरे पे कोई किसी का जो है कोई प्रेशर नहीं, कोई बात नहीं, और ये जो है समय समय की बात होती है, काल समय और परिस्थितियाँ ये किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाती हैं या चुनाव लड़ने से रोकती हैं। मैं उसमें आज कुछ जोड़ना चाहूँगा जो नवीन भाई कह रहे हैं, मुझे दे दीजिए। ओम प्रकाश जिंदल जी के लड़के बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी कभी सत्ता से डरे हों तो नवीन डरेगा। ये वो नौजवान है जिसकी रगों में संघर्ष है,